मंगल ग्रह पर जाने का सपना इस समय बड़े बड़े साइंटिस्ट देख रहे हैं, लेकिन क्या होता अगर हम इंसान और पृथ्वी के सभी जीव जंतु पृथ्वी पर ना पैदा होकर मंगल पर ही पैदा हुए होते? हमें वहाँ कैसा महसूस होता, वहाँ क्या क्या दिखाई देता, वहाँ से जब हम अपनी पृथ्वी को देखते तो वो कैसी दिखाई देती? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे तो मंगल ग्रह के वातावरण के कारण अभी वहाँ पर इंसानों का जाकर वहाँ बसना लगभग असंभव है, लेकिन अगर वहाँ का वातावरण इंसानों और सभी जानवरों के रहने के अनुकूल होता और हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर न होकर मंगल पर ही होता तो हमारे साथ कुछ बहुत ही अद्भुत सा होता। सबसे पहले बात करते हैं मंगल के गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, इसलिए इसका सबसे पहला इफेक्ट आपके भार पर पड़ता। भार की तुलना अगर पृथ्वी से करें तो अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 किलोग्राम है तो मंगल पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होता। वही गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण हर इंसान की हाइट भी काफी ज्यादा होती। मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तुलना में काफी पतला है, जिससे वहाँ पर सूर्य की हानिकारक किरणें काफी मात्रा में पहुँचती। हैं, इसी कारण से यहाँ रहने वाले जीवों एवं जंतुओं की त्वचा संबंधी रोग बीमारियाँ ज्यादा होती। इन सब के अलावा मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता, वही एक वर्ष 687 दिन का होता, जो कि पृथ्वी के एक वर्ष का लगभग 2 गुना है। हमारे पृथ्वी का आसमान नीला है, लेकिन अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते तो हमें नीला आसमान देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मंगल ग्रह का आसमान गाढ़ा पीला है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ धूल ही धूल फैली है। इन सबके बीच हमें वहाँ एक अच्छी चीज ये देखने को मिलती कि जब वहाँ रात होती तो आसमान में एक नहीं बल्कि 2 चांद दिखाई देते, क्योंकि मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। चांद तो हमें 2 दिखाई देता, परंतु सूर्य काफी छोटा दिखाई देता, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है। इन सभी से अद्भुत बात यह है कि जब हम मंगल से आसमान में देखते तो एक नीला ग्रह भी दिखाई देता, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। मतलब मंगल से हम पृथ्वी को अपनी आँखों से साफ साफ देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मंगल ग्रह पर हम रहते तो कुछ चीजें तो हमारे लिए अच्छी होती, लेकिन ज्यादातर चीजें हमारे लिए खतरनाक होती। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।